खानपुर में झंझड़ी के लोगों ने निर्माणाधीन स्कूल बिल्डिंग को लेकर हंगामा किया है। दरअसल उनका आरोप है कि बिल्डिंग निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसे 70 लाख रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। साथ ही ग्रामीणों का यह भी कहना है कि बिल्डिंग का निर्माण ऐसी जगह पर किया जा रहा है जिसमें कक्षा 8 के लिए बने कक्षों में हवा और रोशनी जाने का रास्ता बिल्कुल बंद हो जाएगा, जिसके लिए कई बार खंड शिक्षा अधिकारी को लिखी शिकायत दी जा चुकी है, लेकिन इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। खानपुर से संवाददाता सुशील कुमार झा की रिपोर्ट। टाइम में निर्माण चल रहा है, यहाँ टॉयलेट बनी हुई थी वो बिना किसी प्रस्ताव के तोड़ दी गए, जो कि सरकार का 5 लाख रुपए का कम से कम नुकसान है जो 3 साल पहले बनी थी। और सामग्री आप देख सकते हैं, ईंटें पड़ी हुई है, एकदम टूट जा रही हैं। ये हाई स्कूल की बिल्डिंग बन रही है, एक बिल्डिंग दूसरी साइड में बना दी, एक बिल्डिंग यहाँ बना दी। गाँव के लोगों ने इसका विरोध किया, लेकिन कुछ लोग हैं जो मानने को तैयार नहीं है, और कुछ ऐसे ही अधिकारी भी हैं जो ज़ोर ज़बरदस्ती करके यहीं बिल्डिंग बना रहे हैं। कोई सामान भी नया नहीं है, देख लो पिल्ला ईंट है, ये देखो इनके की हालत बताओ, कौन से एंगल से अव्वल या तो हम यह हुआ है। क्या कहेंगे इसके बारे में, किसकी कमियाँ हैं, विभाग की कमी, ठेकेदार की कमियाँ है, विभाग की कमी है, सब चीज़ की कमी है, सारों की कमी है, इनकी बिली भगत है, पैसा खा रहे हैं इसमें, और क्या कर रहे हैं।